लॉकडाउन के बाद शनिवार को पहली बार कैंट थाने पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपूर्ण थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। थाना दिवस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजेशन व मास्क का प्रयोग के साथ जनता की समस्याओं को सुनते हुए उसका निस्तारण किया गया, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि थाना दिवस में अधिकतर मामले जमीन विवाद से संबंधित आए थे तथा कुछ मामले पारिवारिक भी आए थे, जिसमें से अधिकतर मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस मौके पर कैंट थाना प्रभारी मनोज कुमार राय, झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 के लेखपाल आशुतोष द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, हमारे तरफ जो है 11 फीट का रोड है, तो जब भी हम बनाने जाते हैं कहते हैं 11 फीट का रोड, 11 फीट का रोड के बाद 3-4 फीट का दुकान हो रहा है। वहाँ मौके की स्थिति क्या है? मौके की स्थिति ये है कि सर कवर करें तो 8 फुट हो चुका है। खाली जमीन है कि खाली है? खाली है, हमारा एरिया छुटा हुआ, जो हमारा हमारे वाले की हो जाएगी।
दूसरा पक्ष जो मतलब हमें जिसने लिखा है वो जो दूसरा पक्ष जो हमारे बगल में है वो अभी वो भी आने वाले देखिए। थाना समाधान दिवस का लॉकडाउन के बाद आज पहली बार यहाँ पे आयोजन हुआ है, तो सोशल डिस्टेंसिंग सारे नॉर्म्स का पालन कराते हुए और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए थाना समाधान दिवस आयोजित किया जा रहा है। जो भी शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस उसका अक्षर अक्षर पालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो अभी तक मामले आए हैं उसमें प्रमुखता जमीन से जुड़े मामले हैं और जमीन से जुड़े मामलों में यहाँ लेखपालों की टीम भी बैठी हुई है और जैसे ही यहाँ पे जमीन का कोई मामला आ रहा है तो लेखपाल और पुलिस की संयुक्त टीम बना के मौके पर भेजा जा रहा है और प्रयास यही कराया जा रहा है कि अगर उसका निस्तारण तत्काल मौके पर हो जाए तो करा दिया जाए, अन्यथा अगर किसी सक्षम न्यायालय में चल रहा हो तो न्यायालय के आदेश के उपरांत ही उसका निस्तारण हो सकता है। तो हर मेरिट पर देख के केसेस का निस्तारण किया जा रहा है। इसके अलावा पारिवारिक विवादों का भी मामला आया है, उसका भी निस्तारण नियम संगत तरीके से किया जा रहा है और पूरा प्रयास यह है कि जनता को तत्काल इसमें रिलीफ मिल सके।